सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको झारखंड के धनबाद रेलवे जंक्शन के बारे में आप लोगों के साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा जानकारी जरूर पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले करूंगा आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप धनबाद जिला के वासी हैं तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। धनबाद रेलवे जंक्शन झारखंड के धनबाद जिला के धनबाद शहर में स्थित झारखंड के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। धनबाद देश की कोयला राजधानी के नाम से भी पूरे दुनिया भर में जाना जाता है। यह जंक्शन धनबाद शहर का और धनबाद जिला का एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है, जो भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले रेलवे जंक्शन के लिस्ट में आता है। यह जंक्शन रेलवे नेटवर्क के माध्यम से भारत के ज्यादातर शहरों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस रेलवे स्टेशन का कोड है DHN। धनबाद रेलवे स्टेशन A1 ग्रेड रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आता है। इस रूट से चलने वाली सभी रेलगाड़ियों का इस स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है। धनबाद रेलवे जंक्शन झारखंड के धनबाद शहर का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 135 वर्षों के अधिक समय से यात्रियों के लिए सर्विस प्रदान कर रही है और यह रेलवे जंक्शन धनबाद डिवीजन का एक बहुत ही खास रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे जंक्शन हावड़ा दिल्ली लाइन पर स्थित होने की वजह से यह स्टेशन काफी व्यस्त है। धनबाद रेलवे जंक्शन का गठन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा साल 1880 में किया गया था। तकरीबन 140 वर्ष पहले इस स्टेशन को खोला गया था, जिसे साल 1956 में आज से तकरीबन 63 साल पहले इस रेलवे स्टेशन को नए तरीके से दोबारा बनाकर तैयार किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हावड़ा से गया और गया से दिल्ली रेल लाइन को साल 1906 में खोला था, जिसकी दूरी तकरीबन 1449 किलोमीटर है। हावड़ा से इलाहाबाद और इलाहाबाद से मुंबई रेल लाइन को साल 1870 में खोला गया था, जिसकी दूरी तकरीबन 2127 किलोमीटर है। आसनसोल से गया रेल लाइन को साल 1907 में खोला गया था, जिसकी दूरी लगभग 267 किलोमीटर है। धनबाद से पाथरडी रेल लाइन को साल 1903 में खोला गया था। जानकारी के लिए बता दें, ग्रैंड क्रोड रेल लाइन धनबाद जंक्शन से होकर गुजरती है, जो हावड़ा और नई दिल्ली को आपस में जोड़ती है। CIC रेल लाइन धनबाद जंक्शन से शुरू होती है और मध्य प्रदेश के सिगरौली में समाप्त होती है। 1 अक्टूबर साल 2011 को भारत की पहली AC डबल डेकर ट्रेन को हावड़ा और धनबाद के बीच चलाया गया था। इलेक्ट्रीफाई की बात करें तो धनबाद रेलवे जंक्शन को साल 1960 के दौरान इलेक्ट्रीफाई किया गया था। हावड़ा से गया और गया से दिल्ली रेल लाइन को साल 1960 से साल 1966 के दौरान इलेक्ट्रीफाई किया गया था। धनबाद रेलवे जंक्शन भारतीय रेलवे के इस सेंट्रल रेलवे जोन के धनबाद रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। 5 नवंबर 1951 में धनबाद जंक्शन को धनबाद रेलवे डिवीजन बनाया गया था और धनबाद डिवीजन का हेडक्वार्टर धनबाद में ही मौजूद है। धनबाद डिवीजन के अंतर्गत 148 रेलवे स्टेशन आते हैं। यह रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले रेलवे स्टेशनों में से एक है। इस स्टेशन की ऊंचाई समुद्र तल से 235 मीटर तकरीबन 771 फुट के करीब है। धनबाद जंक्शन में टोटल 7 प्लेटफॉर्म और 11 पटरियां शामिल है। इस स्टेशन से रोजाना तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं और लगभग 120 रेलगाड़ियों से ज्यादा इस स्टेशन के माध्यम से शुरू होती है, समाप्त होती है और गुजरती है। धनबाद रेलवे जंक्शन हावड़ा गया दिल्ली लाइन पर, हावड़ा इलाहाबाद मुंबई लाइन पर, आसनसोल गया सेक्शन पर, धनबाद सिंगरौली लाइन पर और धनबाद भोजोडी आद्रा लाइन पर स्थित है। दोस्तों, धनबाद रेलवे जंक्शन के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।